तो ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 17 में पहला क्वेश्चन ये रहा, जिसके अंदर आपको ये गिवन है, ये 500 जी का वेट है, ये 50 जी का वेट है, ये 30 डिग्री है और ये 100 जी का वेट है। आपको इसमें एक्सेलरेशन बतानी है क्या होगी। तो एक्सेलरेशन के लिए डायग्राम देख लो एक बार, क्या डायग्राम है। 500 जी, 50 जी, ये अलग रस्सी है, ये अलग रस्सी है, तो टेंशन दोनों में डिफरेंट है। इसमें टी एन टी है, इसमें टी डैश है, ठीक है। इसका वेट नीचे की तरफ लेके आएगा इसे कितना, 100 जी साइन 30, पता ना 100 जी कॉस, 100 जी साइन, तूने शॉर्टकट मार दिया, 100 जी साइन 30, राइट। ऐसे करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉडी है तो नीचे की फोर्स क्या होती है, 100 जी साइन 30। अब क्योंकि इमेजिन कर लो सिस्टम ऐसे जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 500 जी माइनस टी इज 500 ए। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, टी माइनस ऊपर की फोर्स माइनस टी डैश प्लस 100 जी साइन 30 इज इक्वल टू 100 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। तो ऊपर की फोर्स माइनस नीचे की फोर्सेस इज मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये कहाँ आ रहा है, ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, तो इसकी इक्वेशन क्या है, टी डैश माइनस 50 जी इज 50 इंटू ए। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, तो कैसे करना है। तो ऐसे किया था कि तूने ऐसे शुरू किया था, ऐसे किया था, तो ये फोर्स ली थी ना बीच वाली, ठीक है। तो इक्वेशंस को बनानी आ गई है, क्या इक्वेशन बनेंगी इसमें, फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है, गिवन ही कुछ नहीं है। करोगे ट्राई ये, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ना थर्ड करवाना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन से पहले एक चीज़ देखनी है आपने,